Hey guys, this is Injusha. Welcome back to my channel. तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं लेके आई हूँ किचन क्लीनिंग का वीडियो. आप लोगों को मेरी क्लीनिंग वीडियोस पसंद आते हैं और आप लोगों ने कहा था कि कैसे मैं मॉर्निंग में अपना किचन साफ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो आज का ये वीडियो बहुत ही एनर्जेटिक मोटिवेशन से भरा होने वाला है और मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है क्योंकि फटाफट काम भी हो जाता है और यू नो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है. तो ये देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 11. जनरली इसी टाइम में मैं क्लीन करती हूँ किचन क्योंकि अभी तक मेरा सारा ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बन गया होता है. जी हाँ, मैं एक ही साथ बना देती हूँ क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो उनके लिए कैरेज वगैरह देना होता है. यहाँ पे देखिए चाय स्पिल हो गया है, दाल स्पिल हो गई है, तो गैस की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है. अभी जब कुछ स्पिल नहीं होता तो मैं सुबह के टाइम में बस कपड़ा मार देती हूँ, बट ऐसी कंडीशन में सोप लगा के घिसना पड़ता है. तो ये देखिए सारे बर्तन इधर उधर पड़े हैं. तो सबसे पहले मैं जो लेफ़्ट ओवर्स बचे हैं उन्हें छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो बड़े बर्तन हैं वो खाली हो जाए और आराम से सारे बर्तन एक साथ धुल जाए, बाद के लिए कुछ ना बचे. तो यहाँ पर मैंने सारे लेफ़्ट ओवर्स फ्रिज में स्टोर कर दिए हैं. उसके बाद जैसे जो भी कपड़ा वगैरह होता है, किचन क्लोथ्स होते हैं, उन्हें मैं अच्छे से झाड़ के रख देती हूँ अंदर और सारे बर्तन को भिगो देती हूँ लाइक बेलन चौका, ताकि आराम से बाद में वो वॉश करते टाइम निकल जाए. तो ये मेरे बेबी का प्लेट है जिसमें खाना छूटा है थोड़ा सा, तो वो मैं डस्टबिन में डाल रही हूँ. उसके बाद सारे बर्तन मैं इकट्ठा कर लूँगी ताकि कोई भी बर्तन रह ना जाए और इस तरीके से मैं भिगो दे रही हूँ सारे बर्तन. यहाँ पे मैं गैस भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दे रही हूँ, लाइक जो भी उसमें पड़े हैं खाना वो मैं निकाल दे रही हूँ. और ये चाय पत्ती का जो चाय वाला कटोरा होता है वो काफ़ी जल गया होता है तो उसे भी मैं अच्छे से उसमें सारे चाय पत्ती निकाल के फेंक रही हूँ. और ये मिक्सी है जिसे मैंने सुबह यूज़ किया था तो उसे भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ और उसे उसके जगह पे पहले रख देती हूँ. सारे अप्लाइंसेस जो भी बॉटल्स वगैरह है वो मैंने हटा दिए हैं. और यहाँ पे मैं भर रही हूँ आरओ का पानी. तो आरओ का पानी मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत पानी निकलता है, अब जितना पीते नहीं उससे ज़्यादा पानी ये हो जाता है. तो ये मूंग है जो मैंने रात में भिगोया था, अब ये अच्छे से फूल चुका है तो इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया है. और यहाँ पे मैं क्लीनर्स रखती हूँ सिंक एरिया के नीचे. तो ये जो है किचन क्लीनर, ये मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स में, तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी इनकेस अगर आप लेना चाहते हैं तो. और इससे जो है पहले मैं गैस में स्प्रे करके छोड़ दूँगी ताकि जो भी स्टेन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से बाद में निकल जाए. और इस तरीके से मैं गैस के पीछे वाले टाइल्स पे, गैस के नीचे अच्छे से स्प्रे करके इसे थोड़े से फूलने के लिए रहने दूँगी. देखिए जहाँ जहाँ स्टेन है वहाँ मैंने डाल दिया है और तब तक ये आरओ का पानी भी फुल हो गया है ये कंटेनर में. और ये देखिए मैंने हर जगह स्प्रे मार दिया है. अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि बाद में वो क्लीन हो जाए. तो पहले मैं बर्तन धुल लूँगी. तो आरओ का पानी जितना भी होता है उसी से मैं जूठन वगैरह निकाल लेती हूँ ताकि बाद में आराम से सोप लगाऊँ और फटाफट बर्तन धुल जाए. तो एक कमेंट आया था कि मैं बर्तन कैसे साफ़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो मैं सबसे पहले बर्तनों का जूठन जो है वो निकाल लेती हूँ इस तरीके से और उसके बाद मैं सिंक एरिया अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि उसमें मैं बर्तन रख सकूँ और एक एक करके सोप लगाते हुए मैं जो है सिंक में डालते जाती हूँ. तो ये देखिए आरओ के पानी से ही मैंने सारा बर्तनों का जो एक बार पहले हम वॉश करते हैं, जूठन निकालते हैं, वो मैंने कर लिया है और बहुत सारा पानी भी बचा लिया है. तो अगर आपके घर पे भी आरओ है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आरओ का पानी एंड या फिर पोछा लगाते टाइम यूज़ कर सकते हैं. तो ये देखिए ये कंटेनर खाली हो गया है और जो कुकर है उसमें भी मैंने भर दिया है ताकि बर्तन धोते टाइम वो भी काम आ जाए, वो मैंने वॉश करके उसमें भरा है. और ये देखिए पानी ख़त्म हो गया आरओ का, तो बस हो गया. अब मैं टैप का वाटर यूज़ कर लूँगी. तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो है अच्छे से एक बार वॉश कर लिया है. अब मैं इसे
तो ये जो दूध का बर्तन है इसे मैं ये स्टील वाले स्टील वूल से क्लीन कर लेती हूँ पहले, ताकि जो भी जमा हुआ मलाई है वो निकल जाए एंड बाद में अच्छे से आप सोप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से करने से ये आराम से निकल जाता है, इसका जो भी मलाई वगैरह जो जमा रहता है दूध के बर्तन में, और स्मेल भी नहीं आती है बाद में। तो मैं यहाँ पे अब सभी बर्तनों को सोप से घिसूंगी, और मैंने बेसिन अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसमें मैं एक एक करके डालते जा रही हूँ। इस तरीके से बर्तन धोने से एक फ़ायदा होता है कि एक तो पानी की बचत हो जाती है, और दूसरी जो आप बाहर अगर बर्तन रखते हो ना सिंक से बाहर, तो वो थोड़ा सा जम जाती है, उसमें थोड़े थोड़े वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से करने से आप एक के बाद एक बर्तन उसी पे धुलते जाते हो, तो एक पानी से दूसरा बर्तन भी साफ़ होते जाता है, पानी भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, और बर्तनों में स्टेन्स भी नहीं दिखाई देता है। तो हो गया है मेरा बर्तन क्लीन करना, अब मैं इसे आराम से वॉश कर दूंगी। तो इस साइड का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने क्लीन कर लिया है हल्का सा, वैसे पूरा मैंने अभी नहीं क्लीन किया है, बस थोड़ा सा क्लीन किया है जहाँ पे मैं बर्तन का जो ये रखने वाला है वो रख सकूँ, और उसके बाद मैं एक एक करके बर्तन। तो ये देखिए सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, और ये जो स्टील वाला बर्तन रखने वाला है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, और ये काफ़ी स्टर्डी, अच्छा, मजबूत है। नीचे इसके प्लेस है तो बर्तन पूरा नीचे नहीं रखाता और सारा पानी निकल के सिंक में चला जाता है। अब इसका जो गैस के बगल वाला जो प्लेटफॉर्म है, मतलब मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है पूरे किचन में, तो गैस के उस साइड वाला जो एरिया है अब मैं उसे क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने रोटी बनाया था सुबह उसी का आटा वगैरह गिरा हुआ है, तो एक एक जो भी मैंने सामान वहाँ रखा है कंटेनर्स और जो तेल एंड बॉटल वगैरह, उसे मैं हटा के पूरा अच्छे से कॉर्नर्स वगैरह में क्लीन कर लूँगी। इससे कॉकरोचेस नहीं आते हैं, अगर आप डेली इस तरीके से सामान हटा हटा के एक बार कपड़ा मार दोगे ना तो कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इस तरीके से मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं डेली 2-3 बार तो मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। एक सुबह खाना बनाने से पहले थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये रहे, हाइजीन मेंटेन रहे, क्योंकि रात में हो सकता है कॉकरोचेस एक दो चल रहे हो प्लेटफॉर्म पे और उसी पे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार सुबह उठ के मैं कपड़ा मारती हूँ, फिर अभी मैं क्लीन करती हूँ, और एक बार रात में क्लीन करती हूँ, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है, जो बैड ऑर्डर होते हैं वो नहीं आएगा अगर आप डेली इस तरीके से क्लीन करोगे। तो ये हो गया है ये पार्ट क्लीन। अब हम गैस क्लीन करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने बर्तन धो के रखा था उसका पानी थोड़ा बहुत निकल गया है, तो अब मैं उसे उठा के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दूँगी और इस साइड को क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए सारा मैंने ऊपर ऊपर का जो कचरा था वो गैस से निकाल लिया है, इसे मैंने पहले ही स्प्रे मार के छोड़ दिया था, तो ये आराम से इसका स्टेन जो है वो निकल गया। उसके बाद मैं इसमें जो जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ उसी से मैं अच्छे से इसे क्लीन कर लेती हूँ सभी तरफ से, गैस के नीचे और गैस के पीछे वाला टाइल्स भी हमेशा मैं क्लीन करती हूँ जब भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे जो जब हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो चला जाता है उसमें छींटा, आप कितने भी अच्छे से बनाओ सावधानी से वो चला ही जाता है छींटा। तो अच्छे से पीछे का टाइल्स भी क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो दाग जम जाते हैं और बाद में क्लीन नहीं होते हैं। तो गैस तो मेरा क्लीन हो गया है, अब इस साइड को मैं अच्छे से साबुन लगा के जो मेरा ग्रेनाइट है उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इस साइड थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, जूठे बर्तन रखे होते हैं, तो इस साइड जो है साबुन से मैं क्लीन कर लेती हूँ। और सिंक एरिया के आसपास ना पानी जमा रहने के कारण थोड़ा सा वाइट वाइट भी हो जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उसे भी मैं उसके लिए भी मैं साबुन लगाती हूँ। और ये जो वाटर फिल्टर के तार हैं
पाइप्स हैं उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर जो टैब है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि टैब आपका नया नया दिखता है और धब्बा नहीं दिखता है। और ये जो मैंने आगे में टैब के आगे में लगाया है ये बहुत सही है, इससे जो वाटर है बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है एंड बहुत काम की चीज़ है ये। तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी अगर मुझे मिलेगा तो। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था, काफ़ी पुराना हो गया है ये, 3 से 4 साल पुराना हो गया है। तो इस तरीके से मैं उसके बाद पानी डाल डाल के सब धुल लेती हूँ। एंड ये जो इधर वाला एरिया होता है उसे मैं पानी डाल डाल के ही धुलती हूँ, क्योंकि इधर का एरिया जो है थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है। और किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं मैंने जो एक बॉर्डर लगवाया है उससे पानी जो है नीचे नहीं गिरता है, नीचे का वुडवर्क जो है उससे ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप नया नया किचन बना रहे हैं तो इसे ज़रूर यूज़ करें, इस आइडिया को। आप जो आगे एक रेलिंग देख रहे होंगे उसे आप ज़रूर लगवाएं, इससे पानी जो है आपके वुड्स पे कैबिनेट्स पे नहीं गिरेगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने वाइप भी कर लिया है अच्छे से, और जो भी मैंने कोई चीज़ जैसे नॉब्स वगैरह छूती हूँ मैं, तो कभी कभी जूठे हाथ से ही हम छू देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तेल वगैरह उसमें चिपक जाता है आटा, तो उसे भी मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ। और अभी मैं गैस को एक बार और सूखे कपड़े से क्लीन कर चुकी हूँ एंड उसके बाद जो उसका ऊपर का जो होता है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड ये मेरा डीप क्लीनिंग प्रोसेस नहीं है, तो ऊपर का जो आप चिमनी देख रहे हैं वो मैं जब डीप क्लीन करती हूँ वो तब क्लीन करती हूँ। बट यहाँ पे जो बटन्स हैं तो ये सेंसर वाले बटन्स हैं, तो इसमें भी दाग धब्बा रह जाता है तेल का, क्योंकि हम कुकिंग करते टाइम उस हाथ से छू देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 12 बज गया है और लगभग मुझे 55 to 50 मिनट्स हो गए हैं, 60 मिनट्स आप कह सकते हैं, तो 10 मिनट्स आप माइनस कर दीजिए क्योंकि वो कैमरा को सेट करने में भी चला जाता है 10 मिनट। तो ये 50 मिनट्स का ये क्लीनिंग रूटीन है जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के बाद। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप ऐसे ही क्लीन करते हैं या फिर आप कुछ और भी यूज़ करते हैं जो कि मेरे लिए यूज़फुल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पे फ्लोर को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फ्लोर पे भी तेल का छींटा, तड़का वगैरह, दाल वगैरह गिर जाता है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ किचन में, एंड यस मेरा किचन हो गया है बिल्कुल चकाचक। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ हैंड वॉश, और जो लास्ट प्रोसेस है, जो लास्ट स्टेप है मेरे किचन क्लीनिंग रूटीन का, वो ये है कि जो आप वहाँ पे सामने में एक डिसइंफेक्टेड स्प्रे देख रहे हैं वो मैं सिंक में डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, आपने स्टार्टिंग में देखा था कैसा था और आप देखिए कितना क्लीन लग रहा है। तो किचन क्लीन होना तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर वालों को बना के खिला सकते हैं, बनाने का मन भी करता है, और हमारे इंडिया में कहा जाता है कि किचन क्लीन हो तो घर पे बरकत भी बनी रहती है। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किचन हमेशा मेरा क्लीन रहे। तो मैं इस स्प्रे की बात करी थी, ये एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड है, मतलब ये एक डिटॉल की तरह स्मेल करता है। तो मैं इसे सिंक एरिया पे डाल देती हूँ पूरा जब मैं वॉश वगैरह कर लेती हूँ, तो इससे ना जर्म्स नहीं होते हैं, कॉकरोचेस वगैरह का आने का टेंशन नहीं रहता है। इस ये एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, आप इसे बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, आप कार वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं और फर्नीचर वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। बट इसे मैं यूज़ करती हूँ किचन का सिंक वगैरह में, या फिर घर पे भी मैं कभी कभी इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो इसका स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है जर्म्स के लिए ये परफेक्ट है। सो ये देखिए मेरा किचन हो गया है पूरा क्लीन, एंड ये था मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन 50 मिनट्स का। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।